Now moving on to number 7, the number of research and learning. So people who don't have number 7 in their date of birth, क्या वाकई ऐसा होता है कि वो बहुत पीसफुल नहीं होते हैं अपने माइंड में एंड यू नो दे वांट टू जस्ट कीप रिसर्चिंग मोर बिकॉज स्टिल दे डोंट ईजली फाइंड द आंसर्स. इज दैट ट्रू? मिसिंग 7 अब बहुत सारी चीज़ें आपसे छीन सकते हैं. अब ये डिपेंड करते हैं ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ क्या है. तो खाली मिसिंग 7 के बारे में बोलूँ बट आपके पास कोई नंबर ऐसे आ रहे हैं जो उसको कंपनसेट कर रहे हो, तो फिर जैसे 5 नंबर कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, ठीक है. तो ये बट अभी फ़िलहाल आप मिसिंग 7 का पूछते हो, तो नॉलेज की टर्म में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हो सकता है डीप जाना प्रेफर ना करें. तो मैंने एक सुपरफिशियल लेवल तक नॉलेज गेन की और उसके बाद में उसमें आ गया, काम स्टार्ट कर दिया. तो बाद में पता लग रहा है कि सेटबैक्स आ रहे हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ किसी चीज़ को लीड किया. और डे टू डे लाइफ में ऐसे लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते. थर्ड चीज़, ऐसे लोग अपने टास्क को बीच में छोड़ देते, टास्क कंप्लीट नहीं करते. तो इट मीन्स कि आपके मन में और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप डिसीज़न नहीं ले रहे हो कि मुझे कौन सी चीज़ को कब कंप्लीट करना है, कब उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे स्टार्ट करनी है. तो ये तीन चीज़ स्टार्ट कर देगा, पता लगता है कि तीनों के तीनों छूट गए. तो इस वजह से 7 नंबर अगर मिसिंग होता है तो आपको वो फंसवा सकता है.